जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुबह का टाइम, सबसे पहले सुबह सुबह की चाय गुरु जी के साथ। इस चाय का आनंद ही कुछ और होता है। और ये मेरा डेली रूटीन। देहरादून में तो बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और चाय बनने में भी पहले से ज़्यादा वक्त लग रहा है। और चाय को जब तक मैं थोड़ा सा 2-4 उबाले ना लगा लूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तब तक मुझे चैन नहीं आता। और कड़क चाय अदरक वाली छान ली मैंने गुरु जी के लिए, और साथ में रख ली आलू भुजिया थोड़ी सी और बिस्किट। जब मैं खुद खाली चाय नहीं पीती तो गुरु जी को कैसे पिलाऊंगी। तो बस गुरु जी की ब्लेसिंग है ये, और ये ही तरीका है गुरु जी की ब्लेसिंग पाने का भी, कि आप जो कुछ भी खुद खाएं वो सब सबसे पहले गुरु जी को समर्पित कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चाय दे रही हूँ मैं अपनी बेटी को भी, और ये रास्ते में देखो कौन बैठा है। रास्ते में बैठा है किट्टू, प्यारा प्यारा किट्टू। और ये बैठी है मेरी डॉल। थैंक यू। और ये प्यारी सी डॉल किटड़ी। जय गुरु जी। इतने पी रहे हैं गुरु जी चाय, मैं आपके साथ करती हूँ कुछ बातें। तो सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि आप जैसे सभी हम लोग मंत्र जाप तो करते करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप शिव पुराण का पाठ जरूर सुने या करें, है ना। किस लिए ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और जो शिव जी हैं वो हैं पूरी तरह से निराकार, है ना। वो सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं, यानी कि शरीर भी धारण कर लेते हैं और उनको शरीर की ज़रूरत नहीं भी है। तो आप सब लोग एक बार शिव पुराण का पाठ अवश्य सुने, है ना। कि आपने देखा होगा कि हम पॉजिटिविटी लेने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं जाना पड़ता है, सत्संग में बैठना पड़ता है, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तब हमें थोड़ी सी इतनी सी पॉजिटिविटी कहीं से प्राप्त होती है। लेकिन नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, है ना। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि पानी है, पानी को अगर ऐसे खुला छोड़ेंगे तो उसका ढलान कैसे होएगा? नीचे ऑटोमेटिकली जाएगा, यानी कि वो नेगेटिविटी भी हमारी इसी तरह से है कि वो ऑटोमेटिकली आएगी, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि हम घर में रोज़ झाड़ू लगाते हैं, हम धूल घर में भरते थोड़े ना है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन हमें सफाई करने के लिए प्रयास करना होता है। तो सेम इसी तरह से मैं आपको ये पानी का एग्जाम्पल एक दे के इस माध्यम से बता रही हूँ कि जैसे वो पानी नीचे को बह रहा है, लेकिन अगर हमें ऊपर को उसको पहुँचाना हो, टंकियों में भरना हो, तो वो पहुँचेगा नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा हमें यूज़ करना पड़ेगा यंत्र, है ना। जैसे मोटर लगा ली तो हमारा पानी फिर क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदर अगर पॉजिटिविटी चाहिए, है ना, तो सकारात्मक ऊर्जा अगर हमें चाहिए तो अपने अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, शिव पुराण। वो ये एक यंत्र की तरह है, है ना। इसके अंदर जो जितने शब्द हैं वो एक मंत्र हैं, हैं। तो ये मंत्रों की शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमारे अंदर से नेगेटिविटी भगाने का काम करती है, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये हमारे सारे क्या हैं। एक बार शिव पुराण का पाठ अवश्य सुने, इससे हमारे पापों का नाश होता है और पुण्यों में होती है वृद्धि। और जब हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है तो हमारे काम ऑटोमेटिकली बनते हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना करना, क्योंकि
गुरु जी के माध्यम से ही मैं आपके साथ संपर्क जोड़ पा रही हूँ, और ये मैसेज अगर आपके पास पहुँच रहा है तो ये भी गुरु जी की इच्छा से ही हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब ले लेते हैं हम गुरु जी से अपनी ब्लेसिंग चाय प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये है हमारी गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग। और एक बार और ये आप सबके लिए भी गुरु जी की ब्लेसिंग है आज की ब्लेसिंग। और ये चाय प्रसाद भी आप सबके लिए भी। जय गुरु जी। सर्दियों में अदरक वाली गरम गरम चाय। अब मैं ऐसे करती हूँ शिफ्ट अपने लिए। चलिए, और बैठ गई मैं अपने फेवरेट प्लेस पे। ये मेरा फेवरेट प्लेस है और ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो इसको मैं कर लेती हूँ शिफ्ट अपने कप में। और ये गुरु जी का नमकीन बिस्किट। जय गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। थोड़ी देर में आ जाएगी यहाँ पे धूप। और देखिए यहाँ पे मैं बैठती हूँ, और ये यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा मैंने एक छोटा सा गार्डन मेंटेन किया है, इसीलिए मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे बैठ के पीती हूँ मैं बहुत गर्म गर्म चाय, गुरु जी का शुक्राना करते हुए, है ना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये बिस्किट भी गुरु जी ने ब्लेस किए हैं, आप सबके साथ भी शेयर हो रहा है। शुक्राना गुरु जी। बाय। और ये दोपहर का समय है और खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और मैं तो मार्केट गई थी, पीछे से बच्चों ने खाना करा है अपना रेडी, और गुरु जी को भी सर्व कर दिया है खाना। और शुक्र है परमात्मा का, गुरु जी का शुक्राना है कि बच्चे भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि सबसे पहले हमें गुरु जी को ही भोग लगाना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों के ऊपर भी गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग है। और ये मैं शिफ्ट कर रही हूँ उस खाने को बैठ के, कि गुरु जी का खाना है, और ले आती हूँ मैं अपनी प्लेट, और प्लेट में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी बच्चे भी ले लेते हैं और मैं भी ले लेती हूँ थोड़ा, सब लोग शेयर कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे को जब गुरु जी का भोग मिलता है, जैसे उसमें विशेष स्वाद आ जाता है, और कितना कुछ सिखा दिया है गुरु जी ने सच में।